चैप्टर वन मिसलेनियस था। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एस, लेट बाइनरी ऑपरेशन बिलोंग्स टू पी ऑफ एस इनटू पी ऑफ एस इक्वल टू पी ऑफ एस बी डिफाइन एज ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ए कमा बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एस सो दैट एम्प्टी सेट फाइ इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ पी ऑफ एस आर इन्वर्टिबल विथ ए इनवर्स इक्वल टू ए। ठीक है जी, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देना है, दिवेन सबसे पहले क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये हमें दिया है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट फाइ है, ये हमें प्रूव करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइ है, ये हमें प्रूव करना है। तो वो कैसे प्रूव हम लोग करेंगे, अदर ए बाइनरी ऑपरेशन विथ फाइ इज इक्वल टू ए इक्वल टू फाइ बाइनरी ऑपरेशन विथ ए, अगर हम लोग प्रूफ कर दें तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि फाइ जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो क्या होता है, ए बाइनरी ऑपरेशन विथ ई इज इक्वल टू ए इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन विथ ए, तो ई तो जहाँ पे हम फाइव इधर डालें और फाइव इधर प्रूफ कर देते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन विथ फाइव इज इक्वल टू ए हमें प्रूफ करना है। तो ए बाइनरी ऑपरेशन विथ फाइव है, तो इस तरह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी के मदद से ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी, तो ये ए है ये बी है, तो ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी तो जहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ए माइनस फाइव यूनियन फाइव माइनस ए ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर ए में से एम्प्टी सेट हटाएंगे, ए में से ये क्या है एम्प्टी सेट, तो इस सेट में से अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग फाइव में से अगर जीरो हटाएंगे तो क्या बचेगा, फाइव बचेगा ना, तो वैसे ही ए में से अगर हम लोग जीरो हटाएंगे, इस तो जीरो मानिए आप, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, ए बचेगा यूनियन। अगर हम लोग फाइव में से देखिए तो एम्प्टी सेट है, ठीक है, और उसमें से अगर हम लोग पाँच घटा दें, अब जो पहले से ही खाली है उसमें से तुम पाँच घटाओ देते ऐसे, उसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए घटाने के लिए पहले तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए ना, इसके पास कुछ है ही नहीं तो घटाए जाते ऐसे, तो इसके पास जब कुछ है ही नहीं तो घटाओ देते ऐसे, तो पहले ये तो फाइव ही रह जाएगा ना, इसके पास कुछ था ही नहीं, तो पाँच अगर तुम घटा भी दे तो भी तो वो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो पाँच तो उसके पास था ही नहीं जो वो घटा पाएगा, तो जीरो ही हमेशा रहेगा। अब ये मत बोल देना माइनस फाइव हो जाएगा सर, ये मैं सेट की बात कर रहा हूँ, पांच एलिमेंट इसमें जीरो एलिमेंट है, तुम्हें बोला गया उसमें से दो एलिमेंट हटा दो, जिस एलिमेंट जो सेट में सिर्फ दो जीरो एलिमेंट है उसमें से दो तुम हटाओ देते से, उसमें पहले दो होना चाहिए ना, तब ना तुम हटाओ दे, तो ये तो फाइव हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग ए ए यूनियन फाइव, तो हम लोग जब परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ही दिखता तो ही कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ, अब राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, फाइव बाइनरी ऑपरेशन विथ ए, फाइव बाइनरी ऑपरेशन विथ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइव बाइनरी ऑपरेशन विथ ए, तो हम लोग देख सकते हैं फाइव माइनस ए यूनियन ए माइनस फाइव, फाइव माइनस ए यूनियन ए माइनस फाइव। तो देखिए एम्प्टी सेट में से तुझे घटाएंगे तो क्या बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा यूनियन, तुझ में से अगर एम्प्टी सेट घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो फाइव यूनियन ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं फाइव इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, तो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं ये हमें पता चला। अब दूसरा पार्ट क्या है, तो इन्वर्टिबल है या नहीं, देखिए यहाँ पे दिया है एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ पी ऑफ एस आर इन्वर्टिबल विथ ए इनवर्स इक्वल टू ए, तो इन्वर्टिबल है एलिमेंट है या नहीं वो भी हमें चेक करना होगा। तो ये तो आइडेंटिटी हमने चेक कर लिया, आइडेंटिटी हमारा फाइव इक्वल आया है। अब इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ, ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन विथ ए। अब यहाँ पे ई तो जगह पे हमारे पास फाइ आया है, पिछले पार्ट में हमने दिया देखा, तो हमारे पास क्या है, ई तो जगह पे फाइ आया है। ठीक है, और हमारा क्या है, तीन देखिए ए इनवर्स इक्वल टू ए हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग ए इनवर्स ए बाइनरी ऑपरेशन विथ ए इक्वल टू, अगर हम लोग
फाइव प्रूफ कर दें तो हम लोग अगर ए बाइनरी ऑपरेशन विथ ए अगर फाइव तो इक्वल आ जाए तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं तो ए इनवर्स इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली बोल सकते, मान लीजिए ए इंटू ए अगर हम लोग वन प्रूफ कर दें तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ना ए इक्वल टू वन बाई ए, मतलब ए इक्वल टू ए इनवर्स बोल सकते हैं। तो सेम वही यहाँ पे भी हो रहा है, अगर ए बाइनरी ऑपरेशन विथ ए तो अगर हम लोग फाइव तो इक्वल टू प्रूफ कर दें तो डायरेक्टली हम लोग अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें, मैं एक एग्जाम्पल तो थोड़ा समझा रहा हूँ आप तो सच मत मान लेना। अगर हम लोग ए बाइनरी ऑपरेशन विथ ए तो अगर हम लोग फाइव प्रूफ कर दें तो ए इनवर्स इक्वल टू ए आराम से प्रूव हो जाएगा, तो जितना नहीं होता तो हम लोग इस तो प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, और हमारा ई है फाइव तो हमने फाइव डाल दिया, बी तो जहाँ पे भी हमने ए कंसीडर किया और ए तो जहाँ पे भी ए ही कंसीडर किया है, ठीक है डाल देंगे तो ए बाइनरी ऑपरेशन विथ ए तो हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन भी तो हम लोग क्वेश्चन में दिया है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो यहाँ पे तो ए बी दोनों सेम ही है तो क्या ले सकते हैं ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। तो a माइनस ए मतलब क्या हो गया फाइव, यूनियन a माइनस ए तो ये भी हो गया फाइव, तो फाइव यूनियन फाइव हमारे पास क्या हो गया फाइव आ गया। तो a बाइनरी ऑपरेशन विथ a हमारा इक्वल टू हो गया फाइव तो इक्वल टू हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं जब हमारा a जो है वो बाइनरी ऑपरेशन विथ a फाइव तो इक्वल टू हो गया तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं a इनवर्स इक्वल टू a। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोला अगर हम लोग ए इंटू ए तो वन प्रूफ कर दें तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू वन बाई ए तो ए इक्वल टू ए इनवर्स। तो सेम वही तरीके से जब हमने प्रूफ कर दिया कि ए बाइनरी ऑपरेशन विथ ए फाइव है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत अगर है तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा।